गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का 8 चैप्टर का सामयिक किसान का प्रश्न अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमने इसके पहले इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। तो प्रश्न अभ्यास करते हैं। इस कविता में साम के दृष्ट को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें अपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखे हुए कविता में आकाश में आकाश का साफा काव्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो इसमें से है दूसरी एक रूपता है चिलम सूरज सी, चौथी एक रूपता है अंगीठी पलाश के फूलों सी, पांचवी एक रूपता है अंधकार भेड़ों के झुंड सा। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की में देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? सूर्य के पश्चिम से क्षितिज का पर पहुंचते ही शाम होने का आभास होता है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? शाम से सूरज को के डूबने तक में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? पश्चिम आकाश पर सिंदूरी नारंगी तथा बैंगनी रंग के बादलों से दिखा ढक दिशा ढक गई है ना। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो नीचे के दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक एक शब्द में बांधिए। कबूतर कहाँ जा रहे हो? मैना तुम मनमोहक हो। चील थोड़ी देर रुको। कौवा सुनते सुनो रात न होने दो। तोता तुम्हारा समय निराला है। हंस तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। यह हो गया आपका प्रश्न अभ्यास।